कासगंज पुलिस अधीक्षक सुशील घुले के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत गंज डुंडवारा इंस्पेक्टर गणेश सिंह चौहान के नेतृत्व में गंज डुंडवारा पुलिस ने रात्रि मुखबिर की सूचना पर पुरानी गंगा की कटरी में शीशम के पेड़ के नीचे चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने में सफलता हासिल की है। अवैध रूप से शस्त्र फैक्ट्री चलाते दो शातिर अभियुक्त मुनेश पुत्र नाथुराम एवं अवधेश पुत्र नाथुराम निवासी गण लोहारी थाना राजता का राम एटा को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुल 6 निर्मित तमंचे 315 बोर में जिंदा कारतूस एवं भारी मात्रा में अतबने तमंचे शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक कासगंज के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में इंस्पेक्टर गणेश चौहान एवं एसआई शिव कुमार की टीम के द्वारा मुखबिर की खास सूचना पर पुरानी गंगा की कटरी से दो अभियुक्तों को तमंचा बनाते समय गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 6 अदद बने हुए 315 बोर के तमंचे एवं 20 जो अदबने तमंचे थे, जिनसे 20 तमंचे बनाए जा सकते हैं, ये अन्य सामान बरामद हुआ है। इसके साथ ही साथ जो असले बनाने के उपकरण हैं, भट्टी आरी एवं अन्य उपकरण, ये सब बरामद हुए हैं। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम उदयवीर सन ऑफ बनवारी लाल नगला चंदन है, जिसके पास से भी नगला चंदन मोड़ से 1 अदद तमंचा 315 बोर और 2 अदद कारतूस के साथ उसे गिरफ्तार किया गया है। सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।